रही होगी, दफा हो जा हमारे घर से। इस घर में तब तक कदम न रखना जब तक तेरा रंग गोरा ना हो जाए। कैसे जान पाओगे इश्क में क्या गुजरी है, कितने जख्म खाए। ओए सफेद परी। शौकी भाई आप? अरे मैंने शौकी भाई ना बुलाया कर, इतनी जैसे मुझे घर वाले नहीं बुलाते जितनी जैसे तू मुझे बुलाता है। तुझे एक बात बताऊं, मिर्जा साहब की बेटी नहीद वो मीना मीना नाती नहीं है, मैंने खुद उस रात उसको कमर खुजाते हुए देखा है। मैं तो कहता हूँ मैं जाके पूरे मोहल्ले के सामने उसका ऐलान कर दूँ। शौकी भाई आप मुझसे वादा करें कि ये नहीद की महीना महीना ना नहाने वाली बात को आप कभी अपनी ज़ुबान पर नहीं लाएंगे। अरे मैं तेरी वजह से ही चुप हूँ, वरना उसका कब का मैंने बोर खोल दिया होता। वैसे आजकल तू होता कहाँ है, नज़र नहीं आता। शौकी भाई वो उस रात के बाद भाइयों ने घर से निकाल दिया है, बहुत बुरे हालात हैं आजकल, काम की तलाश में हूँ, कोई काम ही दिला दो। यार मेरे पास फिलहाल कोई ऐसा अच्छा काम है नहीं जो तू कर सके। यार नहीं शौकी भाई, मुझे कोई ऐसा अच्छा काम नहीं चाहिए, काम ऐसा हो जो बस मेरी पर्सनैलिटी को सूट करे, जैसे झाड़ू वाला, कूड़े वाला या फिर गटर साफ करने वाला काम। अरे शौकी के होते हुए अब तू ऐसा काम करेगा? एक बंदे को मैं जानता हूँ, गाड़ी की वर्कशॉप है उसकी, कहता है तो तुझे काम पे लगवा देता हूँ। जी ठीक है शौकी भाई, चल बैठ पीछे। ओ कल्लू उस्ताद। हाँ। ये लड़के को काम पे रख ले, इसे काम की जरूरत है। हाँ चल भेज दे, इसी को रख लेता हूँ, वैसे भी मेरी दुकान खाली पड़ी रहती है, कोई गाहक तो आता नहीं। चल ठीक है, दिल लगा के काम करी। हाँ भाई क्या नाम है तेरा? जी सफेद परी। क्या यकीनन ये नाम तेरी माँ ने रखा होगा सफेद परी? मैं भी अपनी माँ का चांद हुआ करता था, पर मेरे बाप ने मुझे कभी अपना चांद नहीं बुलाया, अजीब अजीब नामों से पुकारा करते थे, कभी कुत्ता, कभी कबीना, कभी बगैरत। चलो काम शुरू करते हैं, आज तुम्हारा पहला दिन है बेटा, मेहनत से काम करना। हेलो उस्ताद जी। यार सफेद परी तुम्हारे हाथ तो बहुत नरम है, इतना सख्त काम कर लोगे? जी उस्ताद जी, ये कलम और कागज से खेल खेल कर ये हाथ नरम हो गए, लेकिन जब इन हाथों में लोहा आएगा तो ये हाथ 2.5 किलो के हो जाएंगे, और 2.5 किलो का जब हाथ किसी पर उठता है ना तो इंसान उठता नहीं बल्कि उठ जाता है। हाँ बे सफेद परी, कैसा जा रहा है तेरा काम आजकल? जी उस्ताद जी काम तो ठीक जा रहा है, मगर मैं दिन रात काम करके भी इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पा रहा जितना मैं करना चाहता हूँ। कितना को कमाना चाहता है तू? यही कोई 200-300। इतने पैसे का करेगा क्या तू?
उस्ताद जी मैं इस दुनिया का राज जान गया हूँ। ये दुनिया सिर्फ गोरे रंग वाले लोगों की ही कदर करती है। मैं क्रीम लगाकर गोरा होना चाहता हूँ। चल मैं करता हूँ कुछ तेरे लिए, तू कल आना मेरे पास। ठीक है उस्ताद जी। Come here. इधर आओ। हम तुमको कई दिनों से देख रहे हैं। तुम हमारी दुकान पे आता है, हमारी दुकान को गंदी नजर से देखता है और फिर चला जाता है। क्या देखने आता है तुम? जी मैं ये क्रीम देखने आता हूँ यहाँ पर। अच्छा, यकीनन तुम अपनी बीवी के लिए ये क्रीम लेने आया होगा। ये देखो, ये करीम हम तुमको देगा और साथ में डिस्काउंट भी देगा। जब ये करीम तुम लेके जाएगा तुम्हारा बीवी बहुत खुश होगा। जी नहीं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। ये करीम मैं अपने लिए खरीदना चाहता हूँ। लड़की के बाप ने शर्त रखी है कि जब तक तुम्हारा रंग गोरा नहीं हो जाता मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा अपनी बेटी की। अच्छा अच्छा, ये करीम तुम खुद के लिए लेने आया है। फिर जितना तुम्हारा रंग काला, तुम्हें इस क्रीम की नहीं बल्कि इस सर्फ की ज़रूरत है। तुम ये सर्फ लेके जाओ और अपना मुंह धो। जी जी, लेकिन इस सर्फ से मेरा रंग गोरा तो हो जाएगा ना? जी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वैसे इस सर्फ की कीमत कितनी है? वैसे तो हम ये दूसरों को 300 का बेचता है। तुम हमको अच्छा इंसान लगा इसलिए हम तुमको 250 का देगा। जी 250 तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस दिन मेरे पास 250 रुपये जमा होंगे तो मैं आपसे ये सर्फ ज़रूर खरीद कर लेके जाऊँगा। चलो अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सलाम अलैकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। हाँ भाई सफ़ेद परी, क्या हाल है तेरा? जी ठीक हूँ उस्ताद जी। तू कहता था ना नोट कमाने हैं तूने? जी उस्ताद जी। तेरी मैंने कराची के सेठ से बात कर ली है, वहाँ जाएगा बड़े नोट कमाएगा। कराची की तैयारी पकड़ ले फिर। जी ठीक है, आज से तूने ये काम नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। चल ठीक है फिर।